अबू जी मोटर जो है वो चला रहे हैं तो चलो देखे भाई मैं चला रहा हूँ जी। रहमान रहीम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। माशाल्लाह भाई आपने हमारे घर का जो सोलर का सिस्टम है या ट्यूबवेल का सिस्टम है हमने लगाया आपने देखा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस सोलर सिस्टम की लागत बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से हम भाई सोलर के पीछे पड़े हुए हैं, तो वही सोलर वाले आज आ रहे हैं और उन्होंने सारी फिटिंग करनी है, और जो सारी फिटिंग करेंगे और मोटर पानी वाली जो है वो भी चलानी है और घर का सिस्टम भी सारा लगाना है, तो सारी रूटीन जो है ना आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इधर आप देख सकते हैं कल हमने भाई ये पानी वाला पंखा जो है ये भी खोल के इधर ले आए थे, और ये पीटर भी पड़ा है इसको भी खोल के पीछे ना प्लाट में रख लिया है। अभी चलते हैं, जैसा कि आपने देख लिया है कि इधर पंखा भी पड़ा है और पीटर भी पड़ा है, तो उधर चलते हैं। फिलहाल वो जो नीचे बोर है ना उसका जो पोरा कहते हैं पंजाबी में, वो थोड़ा ऊंचा करना है, क्योंकि मोटर को ना ऊपर रखना है क्योंकि बारिश वगैरह आए और मोटर में पानी ना पड़े। तो जब कारीगर आएंगे तो ये सारा जो सिस्टम उन्होंने चलाना है जिस तरह वायरिंग करनी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा मजीद डिटेल के साथ कि हमारा सिस्टम कैसा रहा, जो लागत है वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। तो फिलहाल चलते हैं उधर, पहले बोर ऊंची करते हैं और उसके बाद दूसरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले भाई इधर पड़ी है मोटर, इस मोटर को भी उधर बोर पे ले जाना है। तो इधर हम मोटरसाइकिल भी लेके आ गए हैं, तो इस मोटर को इस मोटरसाइकिल पर रख के उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, मोटर को हमने मोटरसाइकिल पर लाद लिया, तो अभी चलते हैं क्योंकि इसको काबू भी करना है। तो मोटर को हम इधर लेके आ गए हैं और उधर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी ये है बोर, और इसको थोड़ा ऊंचा करना है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये छोटा सा खड्डा बना हुआ है, इस खड्डे को मिट्टी से भरना है क्योंकि इसका लेवल जो है ना बराबर हो जाए, अगर बारिश वगैरह आती है तो मोटर जो है ना ऊपर रहे और पानी नीचे रहे। तो इसको सबसे पहले ऊंचा करते हैं। तो असद भी मेरे साथ आ गया है, हाँ जी शुरू करें। साइडों से ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो हटा लेते हैं, हाँ इसी तरह। तो फिर इस बोर को यानी कि पोरे को ऊपर करेंगे और फिर ना साथ ही ना ईंटें लगा के ना और मिट्टी की भराई कर देंगे, और ये जो लेवल ये भी ऊंचा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि कारीगर भी आने वाले हैं अभी, क्योंकि उनके आने से पहले पहले हमने इस पोर को ऊंचा करना है। हाँ जी, तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने पोरे को ऊपर कर लिया है और अब साथ मिट्टी लगा रहे हैं, और इसके बाद जो बाकी का काम करना है वो ये है कि मोटर पड़ी है आपको पता है, उस मोटर को इसके साथ फिट करना है। तो फिट करके फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी तक कारीगर नहीं आए, जूँ ही कारीगर आएंगे और जूँ ही वो वायरिंग करेंगे यानी कि सारा काम करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये मिट्टी जो है ये लगा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को देखना है कि ये सोलर सिस्टम कितने में लगा है और ये कैसा रहा है, इसका सारा जो रिज़ल्ट है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह भाई कारीगर भी आ गए हैं और इधर सारी वायरिंग कर रहे हैं और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे किस किस तरह उन्होंने वायरिंग की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो उधर खंभा आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे तार खींच के ले जानी है और वहाँ पे पानी वाली मोटर चलानी है। तो ये सिस्टम जो ही चलेगा तो आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह चला है। तो माशाल्लाह इधर आप देख सकते हैं कारीगर सारा काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं भाई मोटर इधर चल रही है, अभी ना सेकेंड टाइम हो चुका है और 4 बजने वाले हैं, तो अभी मोटर चल रही है फिलहाल। और मोटर भी आप देख सकते हैं कि सारा दिन जो काम मैंने किया है इधर, ये मिट्टी भी साथ लगा दी है और मोटर को ऊंचे करके फिट कर दिया है ताकि बारिश आए और पानी जो है ना वो नीचे से होके उधर खेत की तरफ चला जाए और इस मोटर को पानी टच ना करे। तो माशाल्लाह भाई आप देख सकते हैं कि 8 पैनल थे हमारे पास और इधर उनको सेट कर दिया है, इनके स्टैंड भी बनाए थे। तो अभी जो है ना इनके जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से कनेक्शन की तार एक इधर आ रही है और इधर से एक तार ये आ रही है और यहाँ से ना तार जो है ना उधर जा रही है, वो आप सामने देख रहे हैं कि वो मोटर लगी हुई है तो उधर जा रही है, इतनी लंबाई है। तो लेकिन माशाल्लाह ठीक मोटर चली है। बाकी जो घर का सिस्टम है वो फिट करना है, उसका ना वो इन्वर्टर जो है ना वो कल उन्होंने कहा कि हम लेके आएंगे। जो इसकी लागत है ना सारी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि इस पर कितना खर्च आया है और क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं ये तार जा रही है इधर से होती हुई जा रही है उधर से भाई सदाकत के घर की छत से ऊपर, और फिर इसको बांधना भी है, ये वाला जो सामने खंभा खड़ा है इसके साथ बांधूंगा, और फिर वो जो आपको नज़र आ रही होगी ये वाली मोटर चल रही है और वो जो मोटर के सामने जो खंभा खड़ा है ना उसके साथ भी तार बांध देंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो आज है हमारे व्लॉग को दूसरा दिन। माशाल्लाह से धूप ना आज काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और वैसे आज संडे है तो आज हमें ना स्कूल से छुट्टी है,
तो सोलर प्लेटें जो ना हमारी पड़ी छत पे तार देख रहे होंगे, ये तार ना उधर लेके जा रहे हैं पीटर वाली साइड। तो अभी अब्बू जी ना ये तार जो है ना ये दरख्त और ये जो खंबे हैं ना इनके साथ बांध के लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ उस छत से लेके आए हैं। और सबसे पहले तो इस खंबे के साथ बांधा है, अभी मेरे ख्याल में आगे ना दरख्त के साथ बांध रहे हैं। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, आज भाई दूसरा दिन है, काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बस ये तार जो है ना इसको ना थोड़ा ऊंची करते बांधना है ताकि ना नीचे जब बच्चे गुजरते हैं ना तो उनके हाथ वगैरह टच ना हो। हाँ जी, वैसे भी यहाँ से ट्रालियां वगैरह भी गुजरती हैं, उन्होंने भी तार साथ ही ले जानी है। वैसे तो ये साइड पे है। हाँ जी, ये वाला खेत अपना है तो हमारे खेत से ही ये तार ऊपर ऊपर से गुजर रही है, तार जो है हमारी पहुँच गई है। हाँ जी, पहुँच गई है, मोटर भी कल चलाई थी, आज फिर दूसरा दिन है तो हम चलाएंगे और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। सर्कस वाला काम हो रहा है। अभी नई साइड पे बांधा जा रहा है, ये दरख्त लगा हुआ है, खुद लगाया है यहाँ पे किसी ने? ये हमने खोज ना इसको जमीन में गाड़ा है, ये लकड़ है। अच्छा, लकड़ी है, ये दरख्त नहीं है, ये दरख्त को काटा है जी। तार को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह करके बांध दिया, इधर से आप देख रहे हैं तार जो ना ऊपर आ चुकी है, पहले ना इस तरह करके ना नीचे थी, इसको भी ना आगे से ऊपर करके बांध देंगे और ये तार जो है ना इसी तरह ऊपर हो जाएगी। कुछ इस तरह करके तार को ना हमने इधर लगा दिया, तो इतनी ऊंची तार जो है वो हमारी हो चुकी है। तो अभी ना बारी है मोटर को चलाने की, तो अभी मोटर चलाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अभी ना अबू जी मोटर जो है वो चला रहे हैं, तो इस साइड हमारी मोटर खड़ी है, तो मोटर के ऊपर से हमने वो वाला डब्बा जो है वो भी उतार दिया। इन्वर्टर लेके आया हूँ तो इसका कनेक्शन मैंने काट दिया है, तो अभी कहीं चलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देख लो, कल तो आपने नहीं देखा था ना जी किस तरह काम हुआ है। माशाल्लाह से पानी जो है ना वो कुछ इस तरह आ रहा है मोटर में से, ये काफी अच्छा प्रेशर है इसका, तो ठीक है प्रेशर, थोड़ी ना धूप भी कम है, प्लेटों का जो रोका है ना वो दूसरी साइड है। हाँ जी, इधर प्लेटों का रोका इधर है। हाँ जी, जहाँ तो सूरज सामने आएगा तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इसको कितनी देर चलाना है अब? बस जब तक सूरज निकल रहा तो ये चलती रहेगी जी। माशाल्लाह से हमारा खेत जो है ना वो आधा भर चुका है, इधर आप देख लोगे तो एक घंटे में ना ये हमारा खेत जो है ना मुकम्मल तौर पे भर जाएगा। और अभी इधर बच्चे भी आए हुए, नहा भी रहे हैं और पानी के साथ ना खेल भी रहे हैं। तो माशाल्लाह भाई, आपने हमारे घर का जो सोलर का सिस्टम है या ट्यूबवेल का सिस्टम है हमने लगाया, आपने देखा तो माशाल्लाह पानी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल है, लेकिन ठीक है पानी। तो वो असल वजह इस तरह है कि आपको पता है कि जो हम इधर से तार खींच के ले गए हैं वो तकरीबन 500 फुट 450 फुट लंबाई है उसकी, तो कुछ थोड़ा सा ना तार की वजह से फंस पड़ा, लेकिन माशाल्लाह पानी जो है वो ठीक आया है और 5 एकड़ के लिए ना ये वाला जो सिस्टम है ना ये बिल्कुल बेस्ट है। बाकी इस पे सारे घर का निजाम भी चलेगा जो ये सिस्टम लगाया है। अभी तक हम डिवाइस आनी है हमारी, क्योंकि एक सिप्लाई उन्होंने तैयार करनी है, वो खुद तैयार करते हैं, तो कल तैयार करके आएंगे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि ये वाला घर का निजाम कैसे चलता है। तो सारी रूटीन जो है आपके साथ कल इंशाल्लाह भी वो आएगा तो देखे सिप्लाई को हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस सोलर सिस्टम की लागत बता देता हूँ कि इस सिस्टम पर कितनी लागत आई है, वो सिप्लाई भी किसी लागत में आएगी। तो इस सिस्टम पर टोटल जो खर्च है ना वो तकरीबन तारे वगैरह लगा के ना तकरीबन 7.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और जिसमें 8 पैनल्स हैं और एक पैनल्स जो है ना वो 630 वाट का है, और मैंने जो इन्वर्टर लिया है 3 फेज कनेक्ट करने के लिए वो 7-11 होता है तो वो लिया है, और उसके बाद इसमें मजदूरी भी डाल ली है, और उसके बाद जो सिप्लाई है उसकी कीमत भी 60,000 मैंने इसी में डाल ली है, और ये सारा जो बिल बना ना तारे वगैरह जो वायरिंग उन्होंने की है, एक्स्ट्रा तारे लगाई है, ये वाली जो 4.5-5 फुट लगाई है, इसकी भी कीमत इसी में डाल के ना सारा जो खर्च बना है वो तकरीबन 7.5 लाख का बना है। माशाल्लाह भाई ये सिस्टम ठीक है, आप भी घर में लगाएं, एक बार अगर इस पे खर्च हो जाएंगे इतने पैसे, लेकिन बाद में आराम से जिंदगी गुजारें और घर में फ्री में पंखे चलाएं, एसी चलाएं। हमने जो ये सिस्टम लगाया इस पे एसी भी चलाना है, पानी वाली मोटर भी चलानी है, और जो ट्यूबवेल लगाया ये भी चलाना है, और उसके बाद हमने घर वाले पानी की मोटर पर जो है वो भी चलानी है, और साथ साथ पंखे वगैरह ये सब चलेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ एक फर्क है कि जब हमने ट्यूबवेल चलानी है ना उस वक्त हमने ये घर वाला सिस्टम नहीं चलाना, जब वो हम ट्यूबवेल सिस्टम बंद करेंगे और बाद में ये घर वाला सिस्टम। वैसे ट्यूबवेल भी हमने हफ्ते में एक बार ही चलानी है, क्योंकि हमने ना ट्यूबवेल ज्यादा काम चलाना है, अगर हम ट्यूबवेल ज्यादा चलाए तो साथ हम 2-4 और पैनल जो है ना इसके साथ ऐड करते तो घर का सिस्टम भी आगे चलता रहेगा और पानी भी ट्यूबवेल भी चलता रहेगा।
मैम ने 8 पैनल लगाए, अगर आप 12 पैनल लगा देना तो घर का सिस्टम भी चला सकते हैं, ट्यूबवेल भी आप चला सकते हैं। हमें ना वैसे वो आप चला सकते हैं जी, हमें ना ज्यादा पैनल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोटर हमने हफ्ते में बस एक दिन चलानी है, बस उसके बाद बाकी 6 दिन जो है ना नहीं चलानी, 6 दिन घर का सिस्टम चलेगा। हफ्ते में एक बार हमने ट्यूबवेल चलानी है, उसका 6 दिन जो है ना वो हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें और पैनल लेने की जरूरत नहीं है। अभी ना इधर मैं बाहर आया हूँ तो पानी की जो फसलों को ज्यादा जरूरत होती है वो होती है गर्मियों में, सर्दियों में इतनी जरूरत नहीं होती, बस सर्दियों में एक बार ना फसल को पानी लगा दे, हफ्ता 12 दिन 13 दिन फिर पानी लगाने की जरूरत नहीं होती, गर्मियों में ना फिर पानी लगाने की जरूरत होती है, तो गर्मी में धूप भी होती है तो प्लेटें जो है ना वो हमारी गर्मियों में काम आ जाती है, तो सर्दियों में जब धूप निकले ना उस वक्त ना सोलर जो है वो हम चला सकते हैं, 2-3 घंटे चलाए ना फसल जो है ना वो हमारी भर जाएगी, तो इसलिए ना प्लेटें जो है ना हमारे लिए काफी फायदेमंद है, तो आप लोग भी घर में प्लेटों को जरूर लगाएं, इससे ना काफी फायदा होता है। और मैं इसके साथ आज की वीडियो का भी एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। जिसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना दिल से ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।